subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर नवी मुंबई जिला युवक कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने वासी स्टेशन पर कैंडल मार्च कर विरोध जाहिर किया है और साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पुलिस ने शांतिपूर्वक आंदोलन करताना विद्यार्थ्यांवरती हल्ला करून त्यांचा लायब्ररी मध्ये जाऊन त्यांची मारहाण केली, त्याच्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या मार्गदर्शनाखाली सतीश दादाणी यांचा मार्गदर्शन नवी मुंबई युवक काँग्रेसने आज एक शांतिपूर्वक कॅन्डल मार्च काढला। त्यात सहभागी झालेले सर्वांचं नवी मुंबई युवक काँग्रेसतर्फे, महिला काँग्रेसतर्फे, सगळ्यांतर्फे खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप आभार, थँक यू। कांग्रेस के तरफ से जो आज निषेध का कार्यक्रम आज हम लोग ले रहे हैं, मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मंडी सिंह भाई, अपने निजाम भाई और हमारे तमाम नवी मुंबई के महिला पदाधिकारी, आज ये निषेध पूरे देश में हो रहा है। जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के विद्यार्थियों को अंदर जाकर उनके ऊपर गोलीबार, उनको खींच के मारा गया। आसाम में 4 बच्चे मारे गए, वहाँ का जो नेता था युवक का, उन्हें जेल में डाला गया। आज ये निषेध के लिए कल दिल्ली में हमारी कैंडी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारी ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट सुष्मिता देव जी, हमारी महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट चारुताई फोकस जी, इन्होंने सभी गेट ऑफ इंडिया पे अपना निषेध किया, क्योंकि ये निषेध करने वाली बात है। आज नेपाल, आज आसाम में, लखनऊ में, पश्चिम कलकत्ता बंगाल में और दिल्ली में इतने जोरों से निषेध हो रहा है कि जो बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कॉलेज में छोड़ते हैं, ना कि मार खाने के लिए, ये जो बीजेपी सरकार कर रही है इसका पश्चाताप बीजेपी सरकार को होने वाला है। और अमित शाह जी गृह मंत्री है, क्यों आज वो अपने आप चुपचाप बैठे हैं, क्यों नहीं आज वो जवाब दे रहे हैं? मोदी जी शायद ये धर्म को लेकर बंटवारा करना देख रहे हैं, परंतु उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। 5 साल में बीजेपी ने जो भारत को, भारत के लोगों को जो इतना त्रास दिया है, आज वो बच्चों को लेकर राजकारण कर रहे हैं। इस चीजों का हम सभी लोग, नवी मुंबई की तमाम जनता, हमारे महिला कांग्रेस की कमेटी, हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चे, हमारे जिला अध्यक्ष के पदाधिकारी, सभी इन चीजों को लेके धिक्कार करते हैं, निषेध निषेध निषेध। डिब्रूगढ़ आसाम में जो मैंने कल देखा, वहाँ पे ये देखा कि लोग जो विरोध कर रहे हैं वो कैसा विरोध कर रहे हैं, चलती हुई ट्रेन में पत्थर फेंक रहे हैं, चलती हुई बस में पत्थर फेंक रहे हैं, राह चलते हुए लोगों को पत्थर फेंक रहे हैं। तो उसमें नुकसान किसका है? हमारा ही है। वो किसको मार रहे हैं? हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम अपने लोगों को ही मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को पत्थर लगा हुआ है, बड़े बच्चों को भी, बड़े आदमी लोग को पत्थर लगा हुआ है। तो हम, मैंने यही सोचा कि एक जो हम बिल का प्रदर्शन और जो विरोध करेंगे, एक सामाजिक सोशल वर्क के हिसाब से करेंगे। आवाज टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।